तो आज के वीडियो में आपको मैं लेके चलूँगा छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध जगह जिसका नाम है सिरपुर, जो कि महासमुंद ज़िले में आता है। तो चलिए चलते हैं सिरपुर। और सिरपुर के बारे में आपको मैं बताऊँ तो सिरपुर जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम श्रीपुर था। तो अगर आप सिरपुर जाना चाहते हैं तो बिलासपुर से इसकी दूरी आपको पड़ेगी 120 किलोमीटर और रायपुर से इसकी दूरी आपको पड़ेगी 75 किलोमीटर रायपुर एयरपोर्ट से। और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा महासमुंद का। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी को काफ़ी लेट स्टार्ट किया। लगभग हम लोग 11:30 बजे निकले थे बिलासपुर से और हम लगभग वहाँ पे 1:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे सिरपुर। तो अगर आप सिरपुर जाना चाहते हैं तो सिरपुर जाने के लिए आपको गूगल मैप में आपको दो रूट देखने को मिलेगा, एक सिमगा होते हुए और दूसरा आपको लेके जाएगा यहाँ बिलासपुर से मल्हार, और मल्हार से आप लवन, लवन से कसडोल, कसडोल से आप सीधा जा सकते हैं सिरपुर। तो हम लोगों ने जो मल्हार वाला रूट है उसको चुना और ये आप जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं ये सीधा रास्ता आपको लेके चले जाएगा जहांगीर, और राइट से हम अभी टर्न ले चुके हैं और ये सीधा हम अभी हैं बिलासपुर मस्तूरी वाला जो हाईवे है वहाँ पे हैं। और वहाँ से आप जैसे ही एक तिराहा पड़ेगा, तिराहा से आप राइट ले लेंगे तो आप मल्हार वाले रोड को पकड़ के आप सीधा आगे की ओर जा सकते हैं। तो हम अब पहुँच चुके हैं मल्हार, और मल्हार में है छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत का विश्व प्रसिद्ध मंदिर माँ दिनेश्वरी मंदिर। तो अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आप सिरपुर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की दो सबसे बड़ी नदियाँ आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। हम जो अभी पुल को क्रॉस कर रहे हैं ये है शिवनाथ नदी का ब्रिज। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी पानी है और बरसात के समय तो इसका नज़ारा एकदम अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस ओर से उस ओर लगातार आपको पानी देखने को मिलेगा। और हम अब आ चुके हैं महानदी के ब्रिज के ऊपर। आप ये देख सकते हैं ये है महानदी का ब्रिज। ये ब्रिज कसडोल से लगभग 3 किलोमीटर पहले आपको पड़ता है और अगर आप बरसात के समय आएंगे तो लबालब समुद्र जैसा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप लोग अभी तक का वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें बताएं, और ये नज़ारे और अभी तक का एक्सपीरियंस आपको कैसा महसूस हुआ ज़रूर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चलते हैं दोस्तों, चलिए सीधा सिरपुर। तो हम अब एंट्री कर चुके हैं पुरातात्विक नगरी सिरपुर, और फ्रेंड्स चलिए गाड़ी को खड़ा करने के बाद हम चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक फ्रेश एपिसोड में, और आज हम हैं सिरपुर में। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वहाँ हम आज आ पहुँचे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है अभी, और हम अभी अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पे उसका जो है मेन गेट है। तो चलिए मेन गेट से चलते हैं अंदर, और ये सर्वेक्षण मंडल का बोर्ड भी यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है इसको किसने बनाया था। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट घर, कृपया टिकट लेकर प्रवेश करें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये टिकट घर है, यहाँ पे 25 रुपये एक आदमी का टिकट आपको लगेगा, और यहाँ पे आपको ड्रोन कैमरा लाना मना है। और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यहाँ पे जो है टाइमिंग है मंदिर के खुलने और बंद होने का। चलिए आप टिकट लेते हैं, टिकट लेकर अंदर चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये हम देख सकते हैं टिकट हम ले चुके हैं, 25 रुपये की पर टिकट यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आप यहाँ कैश पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब तरीके से आप कैश पेमेंट करके टिकट को इशू करा सकते हैं। तो चलिए अब टिकट लेने के बाद हम चलते हैं सीधा अंदर, और अंदर चलने के बाद वहाँ देखते हैं
कैसा है लक्ष्मण टेम्पल का नज़ारा। और अगर आप देख पा रहे होंगे दूर से तो वो दिख रहा है सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर। तो चलिए टिकट लेने के हम ले चुके हैं और टिकट लेने के बाद हम चलते हैं दोस्तों सीधा अंदर और वहाँ पहुँच के उसके इतिहास के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा मंदिर का नज़ारा, तो आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और फ्रेश एपिसोड में। आज हम आ चुके हैं महासमुंद जिले में और आज मैं आ पहुंचा हूं सिरपुर। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है पीछे आप मेरे देख सकते हैं, काफ़ी पौरातात्विक और ऐतिहासिक मंदिर है ये। अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो बिलासपुर से इस जगह की दूरी आपको पड़ेगी 120 किलोमीटर, और अगर आप रायपुर से आना चाहते हैं तो रायपुर से इस जगह की आपको दूरी पड़ेगी 80 किलोमीटर, और महासमुंद से इस जगह की दूरी आपको पड़ जाएगी 35 किलोमीटर। अगर इसके मंदिर के इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये मंदिर लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। दक्षिण कोसल इसको कहा जाता था, उसमें जो कोसल राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में और इसको किसने बनाया और किस कारण से इसका निर्माण किया गया, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो इस लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसका निर्माण पांडु वंश के शासनकाल में हुआ था। उस शासनकाल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है चंद्रगुप्त। उनके पुत्र थे हर्षगुप्त, जिसका विवाह मगध के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा के साथ हुआ था। हर्षगुप्त की मृत्युपरांत उनकी रानी वाष्टा ने अपनी पति की स्मृति में हरि अर्थात विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। सिरपुर में ईंट से निर्मित यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आदिकाल में धीरे धीरे इसका जीर्ण शीर्ण पतन होता गया और जब अंग्रेज शासनकाल आया तो सन 1872 में जे.डी. बेगलर द्वारा ये मंदिर को जंगलों के बीच घिरा हुआ पाया गया और कुछ दिनों बाद उसका जीर्णोद्धार कराया गया, और सन 1883 में लॉर्ड कनिंगम द्वारा इसका वापस पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 625 से 650 ईस्वी के बीच हुआ था, और ये मंदिर जो है ये ईस्ट फेसिंग मंदिर है और इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 6 पिल्लर मिलेंगे और मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के जो अवतार हैं शेषनाग, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये रहा दोस्तों इस मंदिर का इतिहास। तो अगर आप इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 3 म्यूज़ियम भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम, और उस म्यूज़ियम में जो यहाँ खुदाई के दौरान मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसको सहेज के रखा गया है। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम क्रमांक 1 में। उसी जमाने के सूचना पटल है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है जिसमें लिखा गया है रोटी फोर्ट में लिखा गया है मोइंग एंड पेंटिंग इमेज नॉट अलाउड, मूर्तियों पर लाल वगैरह चढ़ाना मना है। और संस्कृत में भी लिखा है सर चंदनम मूर्ति सख्त मनाई जाती है, ये अंग्रेज जमाने का नोटिस। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर आप सिरपुर आएंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 3 मूर्तिशाला मिलेगी। ये मूर्तिशाला क्रमांक 1 है और यहाँ पे काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है इस जगह के इतिहास के बारे में, और जगह पे जो जो मूर्ति की खुदाई हुई है वो सब का इतिहास के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ये देख सकते हैं ये आपका दूसरा है, दूसरा मूर्ति कक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अगर आप राइट में जाएंगे तो मूर्तिशाला क्रमांक 1 है, राइट और लेफ्ट में जाएंगे तो मूर्तिशाला क्रमांक 2 है, और यहाँ पे मूर्तिशाला क्रमांक 3 है। तो ये उसके पीछे में ही है, ये अपना जो लक्ष्मण मंदिर है
उसके पीछे में ही ये मूर्तिशाला यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मूर्तिशाला क्रमांक 2 है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी मूर्तियाँ पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं खंडित शिव की मूर्ति है। तो जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब में आपको इसका इतिहास यहाँ पे आपको जानने को मिल जाएगा। तो आप आराम से रुक के इस जगह के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये सब खुदाई के दौरान यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। आपसे गुजारिश है कि जब भी इस जगह पे आएँ तो मूर्तियों को टच ना करें। तो दोस्तों ये है संग्रहालय, और संग्रहालय में अभी ये आप देख सकते हैं खंडित मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं तो यहाँ आना ना भूलें, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे पूरा इनका खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुई हैं सभी मूर्तियाँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये संग्रहालय है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को और अच्छे से जानने की आपको जिज्ञासा पैदा होगी, और यहाँ पे आना अगर आप इतिहास को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निश्चित ही इस जगह में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ निर्माण कार्य और रिनोवेशन का काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ का काम अपना ख़त्म हो गया, अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये संग्रहालय क्रमांक 1 है, और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं उन सब का फ़ोटो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये लाल किला, और छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे स्मारक हैं वहाँ का, ये आप हम्पी का देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनका फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। तो थैंक यू फ्रेंड्स।